नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 8 साल बाद बीएसएससी ने जारी किया प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का रिजल्ट, ऐसे करे चेक। पटना विश्वविद्यालय के सेंट्रल डिस्पेंसरी का अस्तित्व खतरे में, आधे से अधिक डॉक्टर व कर्मचारी हुए रिटायर। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे लगने लगा स्मार्ट स्क्रीन, ट्रैफिक व यूटिलिटी से जुड़ी सूचना होगी जारी। पटना का नया टूरिस्ट स्पॉट बना जेपी गंगा पथ, सुबह और शाम बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर हंगामा, राबड़ी देवी ने कहा सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे लड़ाई। बढ़ सकती है लालू की मुश्किलें, सीबीआई ने की सजा बढ़ाए जाने की मांग। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, भारतीय डाक विभाग ने निकाली बम्पर बहाली। आंदोलन से ठीक पहले ही रविवार की देर रात को बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2014 की बहाली प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। इससे हजारों छात्र छात्राओं का 8 साल से चल रहा वनवास समाप्त हो गया। बीएसएससी द्वारा कुल 11,329 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। रिजल्ट की घोषणा बीएसएससी की वेबसाइट पर की गई है। छात्रों ने 28 जून से आंदोलन करने का ऐलान किया था। आंदोलन से ठीक एक दिन पहले ही रविवार की देर रात को बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2014 की बहाली प्रथम इंटर स्तरीय का मेगा सूची के साथ फाइनल रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। 8 साल से इंतजार कर रहे हजारों छात्र छात्राओं का वनवास समाप्त हो गया। बीएसएससी द्वारा कुल 11,329 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अब जल्द ही सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की शुरुआत की जाएगी। इस बहाली को पूरा करवाने के लिए शुरुआत से ही अभ्यर्थियों के लिए आवाज बुलंद करने वाले एवं आंदोलन करने वाले राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने इस बहाली को पूरा होने पर खुशी जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि हजारों स्टूडेंट्स को न्याय मिला है। पटना विश्वविद्यालय की सेंट्रल डिस्पेंसरी का अस्तित्व खतरे में है। इसके एक एक डॉक्टर व कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, आधे से अधिक पद खाली हो चुके हैं। जो कुछ डॉक्टर व कर्मचारी बचे हैं कुछ अगले साल जनवरी में और कुछ 10 से 15 वर्षों में सभी रिटायर हो जाएंगे और डिस्पेंसरी को बंद करना पड़ेगा। मालूम हो कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने इस डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया था। उस समय देश के चुनिंदा विश्वविद्यालय में डिस्पेंसरी हुआ करती थी। यहां डॉक्टरों की 15 सीटें हैं जिनमें 6 डॉक्टर ही मौजूद हैं। इसी तरह 40 कर्मचारी में 15 ही बचे हुए हैं। 4 कर्मचारी जनवरी में रिटायर हो जाएंगे, इनमें 3 फोर्थ ग्रेड और 1 पैथोलॉजी स्टाफ है। टेक्नीशियन अब यहां नहीं के बराबर है। एक्सरे 2 वर्ष तक बंद था, इस वजह से यहां डिजिटल एक्सरे अब कोई काम का नहीं बचा। संविदा पर एक टेक्नीशियन बहाल किया गया, वह मैनुअल पुरानी मशीन से एक्सरे करते हैं। पैथोलॉजी में भी अब कम ही स्टाफ बचे हैं। मुजफ्फरपुर शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बेहतर ट्रैफिक सुविधा के लिए सड़क किनारे स्मार्ट स्क्रीन लगाया जा रहा है। सड़क किनारे इस स्मार्ट स्क्रीन के लग जाने से राहगीरों को यह जानकारी उपलब्ध हो पाएगी कि किस रोड पर किस वक्त ट्रैफिक का बदलाव अधिक है और कहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था स्मूथ है, जिसे मुजफ्फरपुर के लोग जाम से बच सकेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तहत शहर में एलईडी स्क्रीन लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। अभी तक पूरे शहर में 7 अलग अलग जगहों पर स्क्रीन लगाया जा चुका है, जिसमें कंपनी बाग, सिकंदरपुर, अखाड़ा घाट रोड, पुराना बाजार नाका, बनारस चौक और पक्की सराय चौक शामिल है। मरीन ड्राइव के तर्ज पर बने जेपी गंगा पथ का नजारा लेने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचे। आइसक्रीम, गोलगप्पे, चाइनीज फूड वाले भी अपने अपने ठेले लेकर पहुंच गए। इस कारण यहां मेले जैसा दृश्य हो गया। हालांकि इस दौरान यहां जाम की स्थिति रही, एम्बुलेंस तक को यहां से निकलने में भी परेशानी हुई। ट्रैफिक पुलिस के नहीं रहने से परेशानी और बढ़ गई। जेपी गंगा पथ पटना के लोगों के लिए नया टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहां रोज सुबह और शाम को लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। उद्घाटन के बाद पहले रविवार को गंगा पथ पर भारी संख्या में भीड़ जुटी। पटना के दूर दराज इलाके के लोग भी परिवार संग यहां पहुंच रहे हैं। कई लोग तो ऑटो रिजर्व कर यहां आए थे। भीड़ इतनी थी कि बार बार जाम की स्थिति बन जा रही थी। पीएमसीएच जाने वाले लेन में भी सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी कर देने के अन्य कारण यहां वाहनों को काफी परेशानी हो रही थी। यहां पर कोई सेल्फी लेने में व्यस्त दिखा तो कई लोग रील बना रहे थे। कुछ लोगों ने यहां बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। शाम के वक्त यहां का नजारा मनमोहन वाला होता है।
बिहार विधानसभा में मॉनसून का सत्र जारी है। विपक्ष के हंगामे के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन में विपक्षी दलों ने अग्निपथ स्कीम के विरोध में जोरदार हंगामा किया। अग्निपथ स्कीम के विरोध को लेकर आरजेडी ने कार्यस्थगन की मांग की। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने अग्निपथ स्कीम लागू करके देश के युवाओं को अपमानित किया है। आरजेडी की मांग पर विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी अग्निपथ स्कीम को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विधान परिषद की कार्यवाही जैसे ही दोपहर 12 बजे से शुरू हुई, विपक्ष के सदस्यों ने अग्निपथ योजना पर कार्यस्थगन की सूचना सदन में दे दी। इसके बाद कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन में प्रश्नोत्तर काल चलाने की कोशिश की, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ विपक्षी दल के सदस्य उठकर खड़े हो गए। विपक्ष ने केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर सदन में चर्चा की मांग की। खास बात यह रही कि आज विधान परिषद में राजद के सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। स्थानीय निकाय कोटे से सदन में जीतकर पहुंचे सदस्यों और विधानसभा कोटे से पहुंचे नए सदस्यों की मौजूदगी में राजद ने अपनी ताकत का एहसास कराया। राजद लगातार इस मसले पर सदन में चर्चा की मांग करती रही है। एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। देवघर कोषागार मामले में लालू सहित अन्य के खिलाफ सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए सजा बढ़ाए जाने की मांग की है। बता दें कि इस याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अधिवक्ता दिवर्सी मंडल ने इस दौरान लालू की ओर से पक्ष रखा। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। सीबीआई की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें लालू समेत अन्य की सजा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में इन्हें कम सजा दी गई है, इन सभी की सजा बढ़ाई जाए। सीबीआई ने कम से कम 7 साल सजा करने की मांग की है, क्योंकि इसी मामले में निचली अदालत ने जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा सुनाई थी, जबकि इसी मामले में लालू यादव को सिर्फ 3.5 साल की ही सजा मिली है। सीबीआई ने कोर्ट से लालू यादव समेत अन्य की भी सजा बढ़ाए जाने की अपील की है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। भारतीय डाक विभाग ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बम्पर बहाली निकाली है। भारतीय डाक विभाग ने स्टाफ और कार ड्राइवर पदों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन की मांग किया है। योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार भारतीय डाक विभाग के आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन का प्रारूप देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग की indiapost.gov.in पर उम्मीदवार सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में कार ड्राइवर उम्मीदवारों के आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2022 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद के लिए निर्धारित तिथि के अंदर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार डाक विभाग के सूचना के मुताबिक कार ड्राइवर उम्मीदवारों के लिए 24 पद खाली है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग में उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जाएगा। पटना में डीजल वाले ऑटो के परिचालन पर रोक लगा हुआ है, इसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे हैं और डीजल ऑटो चला रहे हैं, लेकिन अब ऐसा करने वालों की खैर नहीं होगी। रोक के बावजूद डीजल ऑटो चलाने वालों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। आरटीए में उन्हें नोटिस भेजकर कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करा लें, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो परमिट रद्द कर दिया जाएगा। वहीं सीएनजी में कन्वर्ट कराने पर सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी भी अब नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि जिन लोगों ने 31 मार्च 2022 तक डीजल ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कराया है, केवल उन्हीं को सब्सिडी मिल पाएगी। बिहार और झारखंड के नीलिमा विराट इंडस्ट्रीज के एमडी विराट गौरव की माने तो डीजल ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कराने से ऑटो मालिक सीधे 2 लाख रुपए बचा पाएंगे। अगर वे नया सीएनजी ऑटो लेंगे तो उन्हें 2.5 से 3.5 लाख रुपए का खर्च आना तय है। अगर ईएमआई पर लेते हैं तो 5 साल ब्याज देना पड़ेगा। ऐसे में 1 लाख से कम में ही सीएनजी किट लगवा कर फिर ऑटो को नया कर सकते हैं। 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 6 जुलाई को होगा। परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूर्व निर्धारित केंद्रों पर ली जाएगी। पूर्व में निर्गत प्रवेश पत्र समय एवं अन्य सभी दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। बता दें कि पहले यह परीक्षा 23 जून को होनी थी, जिसे कुलाधिपति के आदेश पर स्थगित कर दिया गया था। राज्य के 11 शहरों में आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त हो, इसे लेकर शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने संबंधित जिला के डीएम अधिकृत अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। कुलपति ने कहा कि लनामिमी यह परीक्षा
लगातार तीसरी बार आयोजित करने जा रहा है। उन्होंने सभी अधिकारी से कहा है कि आप लोगों ने पूर्व में भी परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण आयोजित करने में मदद की है। उन्होंने अपेक्षा जताई कि इस वर्ष सहयोग मिलेगा। कुलपति के साथ ऑनलाइन बैठक में 9 जिला के DM अधिकृत पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में अनुपस्थित रहे जिले मधेपुरा एवं मुंगेर के DM अधिकृत पदाधिकारियों से कुलपति के निर्देश पर राज नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने दूरभाष से बात कर सहमति प्राप्त कर ली। राज्य में नगर निकायों का चुनाव अब बरसात के बाद कराए जाएंगे। ज्यादातर संभावना इस बात की है कि चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाएं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने आयोग को चुनाव की तैयारी करने को हरी झंडी दे दी है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने भी इसकी पुष्टि की है। राज्य में सभी नगर निकायों का कार्यकाल इसी माह समाप्त हो चुका है। इस लिहाज से जून माह में ही चुनाव कराया जाना चाहिए था, लेकिन अंतिम समय में नए नगर निकायों का गठन और मतदाता सूची व वार्डों के गठन में विलम्ब की वजह से ऐसा संभव नहीं हुआ। अब बरसात में चुनाव कराने से कई तरह की परेशानी होगी। ऐसे में सरकार अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराने का मन बना चुकी है। फिलहाल चुनाव पूर्व की तैयारी के क्रम में नगर निकायों के वार्डों के गठन का काम पूरा किया जा रहा है। इस बार राज्य में कुल 248 नगर निकायों का चुनाव कराया जाना है। राज्य के नगर निकायों में से 13 का कार्यकाल 2022 में पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में इन 13 नगर पालिकाओं में चुनाव अगले वर्ष कराया जाना है। सरकार ने राज्य में 176 नए नगर पालिकाओं का गठन किया है। जिन निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है वहां नगर आयुक्त तथा कार्यपालक पदाधिकारी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को मिलाकर समिति गठित करने पर फैसला नहीं हुआ है।